वेलकम टू आरसीआई इज नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी एंड कम्युनिटी फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। फॉर दिस डिस्कशन वी हैव मिसेस पुबाली अग्रवाल। फॉर दिस शी इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि इस रिगार्ड में जो भी उनकी क्वेरीज हैं, इंटरेक्शन करना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, किसी भी तरह की डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008-265-11-611। हमारा फैक्स नंबर है 265-11-609। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.rehabcouncil.nic.in। ईमेल आईडी है rehabstudy@ndc.vsnl.net.in। तो आइए इस डिस्कशन को हमारे एक्सपर्ट के साथ आगे बढ़ाते हैं, और आपसे अनुरोध है कि आप इस डिस्कशन में आए, हमारे साथ एक्सपर्ट के साथ बातचीत करें। वेलकम मैम। नमस्कार। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी एंड कम्युनिटी, सबका रोल फॉर द चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में आपके व्यूज़ के। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, जैसे कि अगर हम स्कूल की बात करते हैं, होम की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, एवरी हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, सबका एक वाइटल रोल है, तो एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ। हम इस चर्चा को कुछ इस तरह बांट लेते हैं। पहले हम रोल ऑफ होम या घर या परिवार की जो भी भूमिका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम स्कूल के बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में, अंत में हम कम्युनिटी और सोसाइटी के क्या रोल है एक दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में, वो हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं, जो हमारा अल्टीमेट एम वो ये है कि दृष्टिबाधित बच्चा को भी एक समाज में तथा समुदाय में एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के योग्य हम बनाएं, एक अच्छा नागरिक बनाएं, एंड वी हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एज वेल एज सोसाइटी। तो इसके लिए जैसे एकदम छोटे से, जैसे हम बोलते हैं कि नींव हमारा तैयार होते हैं कहाँ से, ना हमारे घर से, हमारे परिवार से। अगर हम शिक्षा के या एजुकेशन के जितने एजेंसीज हैं उनके बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो एजेंसी की बात आते हैं वो है होम या घर। घर मतलब आपके, हमारे जो भी परिवार, परिवार से जो शिक्षा है वो हम, मतलब कोई फॉर्मल वे में नहीं बट इनफॉर्मली, हम सब कुछ एकदम जन्म से लेके आखिर तक जो भी सीखते हैं वो परिवार से ही सीखते हैं। अब परिवार की जो भूमिका है इसको भी हम और अच्छे से समझने के लिए छोटे छोटे हिस्से में बांटते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं जैसे कि फिज़िकल डेवलपमेंट, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट, एंड एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल डेवलपमेंट। तो आइए अब हम अपने जो भी स्लाइड है उसमें पहला जो भी रोल है वो देखते हैं। रोल ऑफ होम इन फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, हेल्दी लाइफस्टाइल, healthy diet, habit formation, cleanliness and sanitation, diseases. Physical development या शारीरिक विकास, हमेशा मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है healthy lifestyle। इस पर हम ज़्यादा जोर देना चाहते हैं क्योंकि आजकल कई परिवार है या कई जगह है जहाँ ये लाइफस्टाइल फॉलो नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, जैसे एक टाइमली खाना खाना, है ना,
या आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। जैसे आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा जंक फूड की बात आ जाते हैं, तो जंक फूड ही बहुत अच्छा है खाने में, ऐसा नहीं है। हम अपने घर में भी प्रॉपर डाइट या प्रॉपर खाने के साथ या जो हेल्दी फूड है वो खिलाने का हैबिट बच्चों में डेवलप करें। जंक फूड का कई तरह के, पर्टिकुलरली पिज़्ज़ा या मैगी टाइप के जो भी खाना है, उसका बहुत एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है। बच्चों को लगता है चॉकलेट्स की, आइसक्रीम की, कि ये बहुत बेहतर कुछ होंगे। पर अगर हम हेल्दी फूड को भी उसी तरह, मतलब अच्छे से टेस्टी वे में बच्चों को दे, और बच्चों को हम साथ साथ, मतलब ठीक है कभी कभार देना पड़ता है बच्चों की ज़िद के आगे, हम ये खाना हैबिट कराते हैं कि हाँ ये आपको आपको ये सारी चीज़ों का भी टेस्ट लीजिए, तो टेस्ट धीरे धीरे डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि टेस्ट बिल्कुल ही नहीं डेवलप करते हैं। आप खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, तो ही बच्चों को पता लगेगा। एंड इट शुड बी कि घर में सभी लोगों का, जैसे घर में सभी लोग एक टाइम खाना खाना, एक साथ बैठ के खाना खाना, तो इससे क्या होता है कि कई डिस्कशन होते हैं, इसमें फैमिली बॉन्ड बढ़ते हैं, और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा जो भी है वो भी अपने परिवार के साथ घुल मिल जाते हैं, और परिवार के सभी लोग, आज के दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है, इतना ज़्यादा हम लोगों का वर्कलोड बढ़ गया है कि एक साथ बैठ के बात करने का मौका हमें बहुत कम मिलते हैं। तो इस तरह का कुछ नियम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ वॉकिंग हैबिट, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, इस टाइप के जो छोटा छोटा हैबिट होते हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम आम तौर पे फॉलो करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं बच्चों में कोई भी काम को प्रॉपर टाइमली फिनिश करने का एक बात आते हैं। इसके साथ साथ परिवार में सभी लोगों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी या परिवार में कुछ कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होते हैं। कंट्रीब्यूशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ लेबर। अकेले मदर या अकेले पेरेंट्स ही काम करेंगे या बड़े लोग ही करेंगे, या मैं दृष्टिबाधित हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी सर्दी के समय है, इस समय सबके साथ बच्चे भी बैठ के कुछ ना कुछ काम हम उसे भी दे सकते हैं। जैसे मटर छीलने का काम हम दे सकते हैं कि आपका ये जिम्मेवारी है, आप ये बनाओ, इसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है। छोटे मोटे फैमिली के काम पे, परिवार के काम पे, घर के काम के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होते हैं, उसे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और डेफिनेटली वो एज अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। जितना बच्चे का एज है उस हिसाब से हमें बच्चों को डेवलप करना चाहिए। दूसरी बात है हेल्दी डाइट, जो हम ऑलरेडी कुछ हद तक चर्चा किया, पर ये भी होता है कि कुपोषण कई समय दृष्टिबाधिता के प्रिवेंशन, कई प्रिवेंटिव ब्लाइंडनेस है जो हमारा, मतलब ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुपोषण के कारण सिर्फ दृष्टिबाधिता नहीं, दूसरे तरह के भी आपके बीमारियां हो सकते हैं, है ना। प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण क्वाशियर्कर मेलस्मस जैसे बीमारियां होते हैं, विटामिन डिफिशियंसी के कारण और भी कई तरह के बीमारियां होते हैं, विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण जेरोप्थैल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रॉपर पौष्टिक आहार होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पर दुख की बात है, हमारे देश में अभी भी कई बच्चे हैं जिनको प्रॉपर पौष्टिक आहार आज भी नहीं मिलते हैं। इसमें थोड़ा बहुत हमें देखना है किस तरह से हम बचत कर सकते हैं, किस तरह से हम कम पैसे में या कम आय में, कम रोजगार में भी हम, मतलब कंपैरेटिवली पौष्टिक आहार बच्चों को दे सकते हैं। ये जैसे मैम आपने हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट की आपने बात करी और हमारे व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से हम विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के साथ काम कर सकते हैं और उनका लाइफस्टाइल जो कि हेल्दी होना चाहिए और हेल्दी डाइट होना चाहिए एज़ पर देयर एज। तो अगर जैसे हम मान लें कि, क्योंकि माइलस्टोन्स होते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, शुरू से अगर पता चलता है कि कॉन्जेनाइटल ब्लाइंडनेस है, तो पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए कि उनको
क्योंकि कुछ पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन है, बट पार्टली दे आर नॉट हैविंग एनी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन. सो हाउ दे कैन प्रोसीड इन दिस सिचुएशन? देखिए, जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, उस प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या डाइट होना चाहिए, या मान लीजिए धीरे धीरे कम हो रहा है, जो भी आपका विजन कम हो रहा है, तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो. उसके लिए क्या क्या डाइट होगा, ये बताने की जिम्मेवारी कुछ हद तक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का है, अगर हम देखें कि हाँ ये प्रिवेंटेबल है. हमारा उद्देश्य मेनली ये है कि या तो हम ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करें, या तो फिर जिस तरह विजन अगर कुछ बचे कुचे है तो वो रेसिडुअल विजन को जितना दिन तक संभव वो रहे उनके साथ, है ना, हमारा यही मेन मकसद है. हाँ ठीक है, कॉन्जेनिटली टोटली ब्लाइंड है, उनके आगे और कोई उपाय नहीं है, तो डेफिनेटली हम उसके लिए सोचेंगे कि नहीं, उनके साथ हम दूसरे तरीके से काम करेंगे. और एक बात ये भी है कि कुपोषण के कारण जो बीमारी होते हैं, ये सिर्फ दृष्टिबाधित के साथ नहीं, सभी बच्चों के साथ हो सकता है. तो फैमिली में अगर कोई भी खाना है, तो मतलब खाने की बात आते है परिवार में, तो सभी बच्चों के, सभी के लिए, जो उनके साइटेड अगर सिबलिंग है वो भी वही मतलब खाने के वो सोचे कि किस तरह का खाना हम खा सकते हैं. ठीक है, कई चीज़ है जिसे हम वेस्ट मानते हैं, जो हम नहीं खाते हैं, कई जगह कच्चा पपीता नहीं खाते हैं, बट कच्चा पपीता इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, है ना. तो और गांव में पपीता लगाने के लिए भी, बिकॉज ये एकदम थीन एंड ट्रिम होते हैं, स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं लेते, तो आप कहीं भी थोड़ा सा भी स्पेस है तो आप लगा सकते हो. तो इस तरह की चीज़ों को हमें धीरे धीरे मतलब कम्युनिटी में इनकरेज करना चाहिए. जैसे चावल के पानी कई जगह फेंक देते हैं, तो उसको भी हम कलेक्ट करके उसका भी कुछ पत्ता वत्ता, मतलब मान लीजिए पालक का या इस तरह का कुछ डाल के, थोड़ा नमक दे के, उसमें भी हम सूप टाइप का बना सकते हैं, जो बच्चों को हम दे सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी. तो इस टाइप का सोचना है. कई समय हम सोचते हैं कि फ्रूट्स मतलब बहुत महंगा वाला जो फ्रूट है, इस समय जैसे सेब है, ऐसा नहीं. कई समय सीजनल फ्रूट अगर आप दोगे, सीजनल सब्जी दोगे, वो आपको सस्ते में भी मिलेगा और वो उसमें भी उतना ही, लगभग उतना ही, या कई समय ज़्यादा भी होते हैं कि वैल्यूज़ है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू है, जितना आपका बहुत महंगे फ्रूट में है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि महंगा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. जो हमारा मौसम में मिलते हैं, इस टाइप के जो हैं, जो सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होते हैं. देन हैबिट फॉर्मेशन. अगर हम बच्चों में ये हैबिट छोटे से डेवलप करते हैं कि आपको इतने बजे सोने जाना है, यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ, आपको इतने बजे उठना है, कुछ कुछ एक्सरसाइजेज आपको करना है, आपका पढ़ाई का टाइम ये है, आपको रिक्रिएशन का टाइम ये है, तो बच्चे वही हैबिट ज़िंदगी भर फॉलो करते हैं. बट वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. अगर हम बच्चों के लिए बोल रहे हैं कि आपका टीवी देखने का टाइम इतने बजे से इतने बजे है, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि वो सो जाएगा अपने आप या अपना पढ़ाई करेगा और हम टीवी देखेंगे, ऐसे नहीं होते हैं. देन वी हैव टू इवन सैक्रिफाइस. हमें भी बच्चों के साथ वो हैबिट छोड़ना है कि भाई ठीक है, उसके साथ काम करना है तो उसके साथ हमें बैठना पड़ता है कई समय. ये पेरेंट्स के ऊपर या फैमिली के बाकी मेम्बर्स के ऊपर बहुत बहुत निर्भरित है. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कई जगह बिकॉज ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग लिमिटेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, कि जो दृष्टिबाधित है वो मोबाइल तो है पर दिखाई नहीं देने के कारण उनके मोबिलिटी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. तो इसलिए कई समय देखते हैं कि घर वालों ने कोने में एक रेडियो दे के बिठा देते हैं कि भाई तुम बैठे ही रहो, दिन भर रेडियो ही सुनो, और अब अगर तुम हिलोगे या आगे कुछ पीछे कुछ करोगे तो गिर जाओगे. ऐसा एक डर बच्चों के अंदर पैदा कर देते. बट उसे बेटर है कि आप कोई और मीनिंगफुल काम में या अपने साथ साथ बच्चों को रखिए. इसे क्या होता है, बच्चे का जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है वो नहीं होता है, फाइन मोटर स्किल्स भी ठीक से
डेवलप नहीं होते हैं और आगे जाके बच्चों का बहुत डिफ़िकल्टी होते हैं, ब्रेल सीखने में डिफ़िकल्टी होते हैं, चलने फिरने में, पोस्चर, गेट, ये सभी तरह के ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, हर तरह के समस्या इसके साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चा एक हेल्दी आम जिंदगी जिए। क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन भी बहुत ज़रूरी होते हैं, किस तरह अपने आप का साफ सफाई, घर का साफ सफाई। ट्रैकोमा नाम का एक आँखों की बीमारी है जो बेसिकली मतलब गंदगी के कारण होते हैं, ठीक है, एक फ्लाइज या मक्खी उसे मतलब पहले फैल होते हैं और उसे फैलते हैं धीरे धीरे। तो छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, चाहे जैसा भी घर हो, उस घर को क्लीन रखना, साफ सफाई रखना, प्रॉपरली कपड़ा जो भी है, एक खोज दो जोड़ी जैसे भी है, उस कपड़े को साफ रखना, अपने आप को रेगुलर मतलब बच्चों को रेगुलर नहाने के लिए इनक्रेज करना, मान लीजिए ब्रशिंग हैबिट या दांत साफ करना या कान साफ करना, नाखून काटना, इस टाइप का जो भी क्लीनलीनेस रिलेटेड चीज है, रेगुलर बाल में कंघी करना, ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। और घर में से ही ये शिक्षा मिलता है, बाहर स्कूल में जब आते हैं वही मतलब जो पहले से हैबिट फॉर्म होते हैं, स्कूल में आके चेंज होना मुश्किल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन, बेसिक जो हम बच्चे को सिखाते हैं शुरू से, वो सब होम से ही शुरुआत होती है, घर से ही शुरुआत होते हैं, घर से ही शुरुआत होते हैं ये। और ये शुरुआत, ये जो भी चीज़ हम घर से सीखते हैं वो आगे भी मतलब काम पे आते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, उनकी अगर सारी जो रूटीन वर्क है वो भी अच्छे से हम करे जाए, या क्लीनलीनेस है, सैनिटेशन है, हर पॉइंट का बहुत इम्पोर्टेंस है अपने में, और ये चीज़ें अगर अच्छे से फॉलोअप हो तो ही नेक्स्ट लेवल पे सुविधा होता है। जैसे अगर बच्चे को हम कर ही देते हैं कि आपको दो टाइम ब्रश करना है या आपको रोज नहाना है, तो बच्चा उसके बाद कुछ दिन मतलब उसके बाद उसका हैबिट हो जाता है, देन वो खुद ही बोलेगा कि मैं रोज नहाना चाहती हूँ या नहीं, नहाने से अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल घर या फैमिली का होता है। और एक चीज है वो है डिजीजेस, कई ब्लाइंडनेस है जो हेरिडिटरी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटरी है तो बच्चे का होगा ही होगा, बट चांसेस कई समय होते हैं। तो उसके लिए भी अगर आपको लगे कि हाँ बच्चे का शुरू हो गया है या वो डिजीज़, जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, मैक्यूलर डिजेनरेशन है, कि शुरू हो गया है, तो परिवार की तरफ से जो सपोर्ट बच्चे को देना है वो ज़रूर मिलना चाहिए। परिवार को उस हिसाब से बच्चे के नीड्स को पूरा करना ज़रूरी है। और ऑलरेडी जो दृष्टिबाधित है, फिर दूसरा कोई और डिजीज़ ना आए, फैमिली के सभी के लिए ज़रूरी है कि डिजीज़ से थोड़ा बच के रहना, बच्चों के लिए जो जो वैक्सीनेशन होते हैं उस पे ध्यान देना और प्रॉपर वे में उसका वैक्सीनेशन मिलना भी ज़रूरी होते हैं जी। तो इस तरह से रोल ऑफ होम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ओवरऑल एक हमने, मैं सोचती हूँ कि आपको फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। रोल ऑफ होम इन मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली बॉन्ड, स्ट्रेस इन द फैमिली, इकोनॉमिक कंडीशन, कल्चर, वैल्यूज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सभी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम आते हैं फैमिली स्ट्रक्चर पे। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, हमारे भारत में ये दो टाइप के फैमिलीज जनरली मिलते हैं। जॉइंट फैमिली देखा गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ जैसे दादा दादी या नाना नानी या अनमैरिड बुआ है ना, या चाची
या चाचा जी या जो कज़न ब्रदर सिस्टर होते हैं उनका साथ बच्चों को मिलता है। कई दृष्टिवादी जना है जहाँ पेरेंट्स से, जिनके जो बाद में बताए भी हैं ऐसे, कि पेरेंट्स की सपोर्ट उतना शायद नहीं मिले जितना सिस्टर की सपोर्ट मिला या दादी की सपोर्ट मिला, है ना। और ख़ास तौर पे ये बात भी है, जैसे हम कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई औरत का कंट्रीब्यूशन है। आप अगर देखेंगे तो कई दृष्टिवादित, सक्सेसफुल दृष्टिवादित व्यक्ति के पीछे उनके परिवार के औरतों का कंट्रीब्यूशन है। जैसे बच्चा है, मम्मी बिजी है घर के काम में, पापा निकल गए ऑफिस में या कुछ और काम में, तो बच्चों को टाइम देने के लिए एक कोई रेडियो लेकर कोने में बिठाने से कई गुना बेहतर है जब दादा दादी कहानी सुनाते हैं या कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ या अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल जॉइंट फैमिली सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक कर गए और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गए। नाउ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में जहाँ बोथ द पेरेंट्स ऑफ आर वर्किंग, वहाँ और मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों का स्पेशल केयर की ज़रूरत होते हैं और वो केयर जितने अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स देते हैं शायद कोई भी नहीं देते हैं। तो ये है, हम ऑलवेज यही प्रे करते हैं और ऑलवेज हम बोलेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और उससे शेयरिंग भी सीखते हैं बच्चे, बच्चों का प्रॉब्लम से और भी ज़्यादा लोग, मतलब इंटरेक्शन करना, लोगों से बात करना, हाँ, फैमिली के सभी लोग मतलब उनको भी पता लगता है। अच्छा, जैसे न्यूक्लियर फैमिली होंगे तो कोई बाहर के लोग भी मिलने नहीं आते हैं, बिकॉज ए ऑल आर बिजी, सभी निकल जाते हैं, पर दादा दादी रहे या कोई भी रहे के बुआ जी के सहेली आ गए या चाचा के फ्रेंड आ गए या दादा दादी से मिलने कोई आ गए, तो बच्चों के लिए भी इंटरेक्शन ज़्यादा, सोशल इंटरेक्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फैमिली बॉन्ड, परिवार के जो सदस्य है या मेंबर्स है उनके बीच में आपस में कितना तगड़ा बॉन्ड है, ये हमारे लिए मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता के बीच में क्या कैसा बॉन्ड है, कई समय ये भी होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, आपके वजह से या आपके वजह से, बिकॉज हम इसको एक अनसक्सेस मानते हैं। सक्सेसफुल हेल्दी एक बेबी को जन्म देना सभी चाहते हैं और किसी तरह अगर इसमें कुछ होता है तो कई समय हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बट अगर फैमिली बॉन्ड बेटर है, अगर फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फैमिली के सदस्यों के बीच में आपस में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर बच्चा का भी फैमिली के साथ बॉन्ड बेटर होते हैं। और जहाँ मम्मी पापा के बीच में तनाव है, टेंशन है, जहाँ मम्मी पापा के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं है, उसका इफ़ेक्ट भी विजुअली चैलेंज बच्चों पे पड़ते हैं। कैसे मैम समझते हैं कि बच्चा समझते नहीं है, बच्चे जिस किस टाइप के ब्लेमिंग है, तुम्हारी वजह से बच्चा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उसके अंदर एक फीलिंग्स भी ग्रो करते हैं कि भाई मेरे वजह से, मतलब मेरे वजह से कितने परेशान हैं फैमिली के लोग। पर ये फीलिंग अगर हम बच्चों में नहीं पैदा करें कि ठीक है आप में लिमिटेशन है, हम सब में लिमिटेशन है, ये एक्सेप्टेंस, एक कॉम्फर्ट अगर हम देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फैमिली के साथ होते हैं, वहाँ बच्चा जरूर सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट हम बातें करेंगे स्ट्रेस इन द फैमिली, फैमिली में स्ट्रेस कैसा है। सिंगल पेरेंट होते हैं तो मुश्किलें और ज़्यादा होते हैं, पेरेंट्स के बीच में अगर सेपरेशन होते हैं तो मुश्किल बहुत होते हैं, वीडो या वीडोअर होते हैं पेरेंट में से कोई, तो वो भी बच्चों के, मतलब सिंगल पेरेंट का जो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस और भी कई कारण हो सकता है जिसमें बहुत बड़ा कारण है इकोनॉमिक कंडीशन, कई समय आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी परिवार के लोग परेशान रहते हैं और ये परेशानी कहीं ना कहीं दृष्टिबाधित बच्चों को भी इफ़ेक्ट करते हैं। फैमिली के कल्चर, फैमिली वैल्यूज़,
ये सारी चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई फैमिलीज हैं जहाँ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस देखा जाता है, मतलब साइटेड बच्चों के लिए ज़्यादा वो सोचते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं बिकॉज़ यू नो कि ये आगे मुझे देखेंगे, और दृष्टिबाधित बच्चों को ठीक है इसको ही तो मुझे आगे देखना पड़ेगा। तो इस टाइप का वैल्यूज़ का, हालांकि कई समय उल्टा भी होता है कि आगे जाके दृष्टिबाधित जो बच्चा है बेटा है वो ही देख रहे हैं मम्मी पापा को। तो एक इंडिविजुअल की तरह, एक व्यक्ति के तरह, एक बच्चा के तरह दृष्टिबाधित बच्चे को देखना ज़रूरी है, ना कि एक दृष्टिबाधिता को ही हम फोकस क्यों करें। तो ये वैल्यूज़ जो भी हम फैमिली से सीखते हैं वो मतलब अंत तक हमारे साथ रह जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट किए इंटरलिंक्ड ही हैं। हाँ, इंटरलिंक्ड। अगर हम देखें कि फैमिली वैल्यूज़ हैं, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें किस तरह से फैमिली स्ट्रक्चर भी मैटर करती है, जैसे कि आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम के बारे में बताया। और अगर न्यूक्लियर फैमिली है, इफ़ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, देन हाउ इट कैन इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें स्ट्रेस हो सकता है, और स्ट्रेस जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, और बाकी रीजंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, आपने एक बहुत मेन पॉइंट बताया, और फैमिली में बॉन्ड किस तरह से है। ये सारे पॉइंट्स फोकस करते हैं मेंटल डेवलपमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट फैमिली इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो अगर फैमिली में बॉन्ड अच्छा है, इंटरेक्शन अच्छा है, जॉइंट फैमिली है, तो और भी ज़्यादा अच्छा है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया। बाकी की डिस्कशन हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Thank you.
वेलकम बैक टू आर डिस्कशन. हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ होम फॉर विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रेन, और हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि किस तरह से फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर चाइल्ड. तो आइए इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं इसके बारे में और पॉइंट्स. देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि मेंटल डेवलपमेंट के स्लाइड ही से ही हम डिस्कस कर रहे थे जी. तो इसमें हम लास्ट बात कर रहे थे कि कल्चर या वैल्यूज के बारे में. तो हर एक जो भी परिवार है या हर एक जो भी समुदाय है, उनका अलग अलग कल्चर होते हैं, और उस कल्चर के साथ कई चीज़ जुड़े हुए हैं. जैसे परिवार का, मान लीजिए आप जो भी धर्म विश्वास है या रिलीजियस जो भी नॉर्म्स हैं, हम लोग कई छोटे छोटे चीज़ भी सीखते हैं. जैसे मिलते हैं तो कई जगह नमस्ते करते हैं, कई जगह पैर छू के प्रणाम करते हैं, कई जगह आदाब करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं. फिर जैसे फेस्टिवल्स, या रिलीजियस फेस्टिवल बोलिए या नेशनल फेस्टिवल्स बोलिए, हम सब एक साथ मनाते हैं, और इस रिलीजियस फेस्टिवल्स में फैमिली के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं. फैमिली में बाकी लोग भी आ जाते हैं, जो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है वहाँ के मेंबर्स भी आ जाते हैं. और एक बहुत बड़ी बात है कि कई टाइप के हमारे जो अंधविश्वास हैं, वो भी कई समय परिवार के अंदर जुड़े हुए होते हैं. दृष्टिबाधिता को लेके भी कई तरह के अंधविश्वास परिवार में भी रहते हैं. जैसे कि कई जगह कई धर्म में ये मानते हैं कि दृष्टिबाधिता पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ मतलब कारण हुआ है, पूर्व जन्म के फल है. ठीक है, किए की फल है. तो ये भी फैमिली को या परिवार को या घर के लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है. फिर जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होते हैं, ठीक उसी तरह हम अगर देखें कि बच्चों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस या जो भी राजनीतिक चेतना है, वो भी हमारे परिवार से ही आते हैं. अगर किसी विशेष दल को सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके फिलोसफी है, ये भी आप देखोगे धीरे धीरे परिवार से ही बच्चा सीखते हैं. और जो वैल्यूज़ है, क्या खराब है, क्या खराब नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आज के दिन में बहुत बहुत ज़रूरी हो गए हैं. आज कई घटनाएं आजकल हमारे दिल्ली में हो रहे हैं, चल रहे हैं, जिसे हम सभी को ये बात पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गए हैं कि आज हमारे क्या सच में ही मूल्यपरक शिक्षा की ओर हम जा रहे हैं, हमारे शिक्षा से क्या वैल्यूज़ हम दे रहे हैं, एक दृष्टिवादित बच्चों को भी एट द एंड हम क्या वैल्यू सिखाते हैं. सिखाना क्या सिर्फ टीचर का ही, टीचर ही पूरे वैल्यू डेवलप करते हैं, या फैमिली मेंबर्स भी इसके साथ जुड़े हुए हैं. डेफिनेटली जो वैल्यूज़ फैमिली से मिलते हैं, टीचर उस वैल्यूज़ को अगर अच्छे वैल्यूज़ है तो उसे डेवलप कर सकते हैं, पर जो वैल्यू या मूल्य की बेसिक बुनियाद है वो परिवार से ही मिलते हैं. बच्चों को छोटे छोटे कहानी के माध्यम से भी हम कई तरह के वैल्यूज़ छोटे में सिखा सकते हैं, और वो ज़िंदगी भर बच्चों के साथ रह जाते हैं. उसके लिए अलग से कोई नैतिक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है. ये वैल्यूज़ हमें अपने परिवार से ही मिलते हैं. बड़ों का आदर करना, ये वैल्यूज़ हम कहाँ से सीखा, ये हम अपने परिवार के से ही सीखते हैं, है ना. अब आते हैं कि एटीट्यूड पे, एटीट्यूड ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स चाइल्ड, पेरेंटल एटीट्यूड, सिबलिंग एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स. पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू पॉजिटिव इमेज, विच अगेन लीड्स टू बेटर सेल्फ एस्टीम, विच इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड. सॉरी, पेरेंटल एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, अगर पेरेंट
बच्चे का ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चा भी अपने ब्लाइंडनेस को बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग देखा है कि कैसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव मतलब ये नहीं, ये कई समय मतलब हम मानते हैं एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ब्लाइंडनेस को। ठीक उसी तरह कई पेरेंट है जो बड़ा निग्लेक्ट करते हैं बच्चों को, बच्चों को किसी तरह कोई संस्था में जस्ट डंप कर देते हैं, पूछते भी नहीं हैं बच्चों को, तो वो भी खराब है और उसी तरह ओवर प्रोटेक्शन भी इक्वली खराब है। पेरेंट के एटीट्यूड के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। पेरेंट के एटीट्यूड अगर पॉजिटिव होते हैं और पेरेंट अगर बच्चों का ब्लाइंडनेस को बच्चे का ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करते हैं तो बच्चा बड़े आराम से अपने ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट करते हैं और ये एक्सेप्टेंस उनको आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। ठीक उसी तरह सिबलिंग के एटीट्यूड, कई जगह पेरेंट बच्चा ब्लाइंड बच्चा है घर में ये छुपाते हैं। मैं आपको मेरी एक स्टूडेंट की कहानी बताऊँ, मतलब बात बताऊँगी, ये कोई कहानी नहीं है, सच है। फर्स्ट पीरियड में मेरे एक स्टूडेंट है जो हमेशा लेट आते थे। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ऑलमोस्ट लगभग विजन बहुत कम है, स्टिक लेके चलने से मोबिलिटी ठीक है। तो विंटर के समय फर्स्ट पीरियड में हमेशा देर है। फिर एक दिन मैंने बहुत डांटा कि भाई आप ऐसे देर करके आते हो, और विंटर के टाइम है तो लगता है कि वो उठने में ही मुश्किल करा उनको, मतलब उठने में देर कर दिया, लेट कर दिया। कुछ नहीं बोला, बाद में देखा दूसरे रूम में बैठ के रो रहे हैं। फिर मुझे ख़राब लगा, मैं जाके पूछा भाई ऐसा क्या है। बोला मैडम मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ मतलब मैं क्या करूँ बताइए। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला मैं भी मेरा भी ये है आरपी है और मेरे ब्रदर का भी है, मेरे ब्रदर टोटली ब्लाइंड ऑलरेडी है, मेरी मदर ने किसी को भी मुझे बोलने में मना कर दिया कि मेरे आसपास वाले पास पड़ोस के लोग कोई भी नहीं जानता कि मैं भी ब्लाइंड हूँ, तो मुझे अपने एरिया में हाथ में स्टिक लेके मैं नहीं चल सकती हूँ, तो लोगों को पता लग जाता है कि मैं ब्लाइंड हूँ। अब मैं सवेरे के समय बस स्टॉप तक घर से नीचे ही रिक्शा वाला रहते हैं, मैं जाके बैठ जाता हूँ और मैं टाइमली आ जाता हूँ। जब विंटर होता है तो रिक्शे वाले नहीं मिलते हैं, तो बड़े मुश्किल से मुझे वहाँ से मतलब बस स्टॉप तक मैं आ पाता हूँ, तो इसीलिए मेरा लेट हो जाता है। मैं उस समय सुना कि सोचा कि मतलब इतना मतलब मुश्किल हो गया, मतलब मम्मी ने सेकेंड बच्चे का ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और भी मुश्किल इस बात पे हो गया कि बच्चे का तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि स्टिक के बिना ब्लाइंड पर्सन के लिए चलना बहुत बहुत मुश्किल होते हैं। तो इस तरह से कितना स्ट्रेस में हम अपने ही बच्चों को डाल देते हैं, एक सोचने वाली बात है। क्या हमारे बच्चे दृष्टिबाधित हो तो क्या हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं? क्या लिमिटेशन हर कोई बच्चे का कहीं ना कहीं नहीं है? ये बात हम लोगों को सोचना है। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा अच्छा है, आज के दिन में वो लड़का बहुत बढ़िया नौकरी कर रहा है बैंक में, तो ये है। कई समय पेरेंट को बोलते हुए सुना कि मतलब ऐसे बोलता है कि यहाँ इनका हाथ नहीं पकड़ना, क्योंकि यहाँ किसी को पता नहीं है हमारे मोहल्ले में कि इसको दिखता नहीं है। अब दिखता नहीं है तो और कुछ सोचेंगे, आपको देख के हंसे तो उस पर कोई जवाब नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो लोग गलत भी सोच सकते हैं। इस तरह की चीज एक्चुअली पेरेंट्स एक्सेप्टेंस के कमी के तरह ही इशारा करते हैं, और वहाँ बच्चा भी अपना ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कर पाते हैं। सो दिस इज द बेसिकली एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी डिसेबल्ड चाइल्ड। अच्छा सिबलिंग के एटीट्यूड भी इसी आधार पे होते हैं। अगर मम्मी पापा ये छुपाना चाहते हैं तो भाई बहन भी छुपाना चाहेंगे, वो भी जो नेबरहुड के या मोहल्ले के बच्चों के साथ सब खेलते हैं वहाँ अपना दृष्टिबाधित भाई या बहन को लेके जाने में शर्म महसूस करेंगे। कोई भी फंक्शन अगर नेबरहुड में हो रहा है या समुदाय में हो रहा है, वहाँ अपना दृष्टिबाधित बच्चों को
या अपना भाई बहन को लेके जाना, वो भी शर्म महसूस करते हैं. तो सिबलिंग एटीट्यूड भी कई समय देखते हैं कि पेरेंटल एटीट्यूड से निर्भरित है. कई समय हम ये भी बताते हैं कि भाई देखो आपके भाई का ऐसा हो गया या बहन का, बहन को दिखाई नहीं देता है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो छोटे बच्चे या सिबलिंग कई समय खुश होकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं, कई समय सोचते हैं ये एक्स्ट्रा बर्डन क्यों मेरे पे. कई समय सिबलिंग के अंदर ये भी समस्या होते हैं कि इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मेरे में कोई ध्यान नहीं देते हैं, मम्मी पापा इनको ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे में नहीं. बट ये जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो तब समझ में आते हैं कि भैया का ज़रूरत ज़्यादा है इसीलिए मम्मी पापा उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं. पर इनिशियल सिबलिंग के एटीट्यूड फॉर्मेशन में पेरेंट का भी बहुत बड़ा रोल है. पेरेंट शुड इनकरेज कि तुम्हें इसमें शर्म होने का या शर्मिंदा की कोई बात नहीं है, आप भी अपने बेटे को भाई को लेके खेलने जाओ, भाई को भी खेल आपके साथ साथ खेलने में भाग लेने में मदद करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आपके भाई भी आपके साथ खेलने आएंगे. तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात है. मैम वैसे बेसिकली जैसे आपने ये पॉइंट्स बताए कि पेरेंटल एटीट्यूड इस तरह का होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते बच्चे की डिसेबिलिटी, तो सब्सिक्वेंटली सिबलिंग्स और बच्चा भी खुद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता. तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका रीज़न क्या है, वाई पेरेंट्स आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड और इस तरह से फिर वो पूरी फैमिली मेंबर्स में इस तरह का एटीट्यूड आ जाते हैं. एक्चुअली क्या है रीज़न में, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. हम लोग सभी एक मन से चाहते हैं एक हेल्दी बेबी को जन्म देना जी. तो जब ऐसा कोई दृष्टिवादित बच्चा होते हैं तो हम इसको अपना हार मान लेते हैं, हमारा अनसक्सेस, हमारा अंदर की प्रेजुडिस, हमारे अंदर के अंधविश्वास आगे आ जाते हैं. और इस कमी को हम अब दूसरों के सामने, मतलब मेरी कमी मानते हैं और इसको हम फिर छुपाने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि हम उस दृष्टिवादिता को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. फिर दृष्टिवादितों के लिए ओवरऑल हमारे समाज में एक बड़ा नेगेटिव टाइप के आइडिया है, मतलब एटीट्यूड है, वो भी इसमें आ जाते हैं. और बाकी जो परिवार के मेंबर है, कई समय देखा गया है कि वो लोग बड़े कई समय सहयोग देते हैं, और कई समय ये भी होते हैं कि जो माँ होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बाकी परिवार वाले बोलते हैं कि आपके वजह से तुमने ऐसे बच्चे जन्म दिया. मेरे सर थे या सर हैं अभी भी है, तो सर एक दृष्टिवादी थे. एक बार बता रहे थे कि उनके पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन है, उनके फादर उनके ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, कलकत्ता में मेरे सर हैं, और जो दो व्यक्ति ने उनके पढ़ाई में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया वो है उनकी मम्मी और उनके दादी. तो दोनों के वजह से ही उन्होंने पढ़ाई में आगे गए. और सर के पास 3 PhD की डिग्री है, ठीक है, तो दैट इज़ देयर. और उस समय तो और भी फैसिलिटीज़ और भी कम था. देन पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव वेव आते हैं. अगर हमने मान लिया, पूरे परिवार मान लिया कि नहीं हमारा बच्चा दृष्टिबाधित है, फिर भी वो कई काम कर सकते हैं. कार्तिक सहनी नाम के एक लड़का है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में 10th बोर्ड में फर्स्ट आए थे और अभी साइंस लेके पढ़ रहे हैं, 12th में है. आप टोटली ब्लाइंड है, कार्तिक टोटली ब्लाइंड है. कार्तिक को छोटे से देखा कि मदर के साथ साथ दादाजी भी पूरे समय उसके साथ जुड़े हुए हैं. सो देखिए, एक्सेप्टेंस जहाँ है ठीक है, उसमें कमी है, लिमिटेशन है, तो उसके अंदर ये एक बेटर सेल्फ एस्टीम आए और एक टॉपर बना. एक लगभग 750 बच्चों के स्कूल में कोई आम बात नहीं है. फैसिलिटीज़ मिला, पूरा सपोर्ट पूरा मिला, परिवार के सहारा मिला, तो बच्चे को भी लगता है यस आई कैन डू. और हम अगर पहले दिन से ही बच्चे को ये सिखाते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक चल नहीं पाओगे, तो बच्चों में भी आ जाता है कि नो आई कैन नॉट डू.
तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आते हैं, बेटर सेल्फ एस्टीम भी होते हैं। हम अगर अपने आप को अगर हम एकदम झुक के बेसहारा मन अंदर से हम माने तो फिर हम बेसहारा ही रह जाएंगे। और सिंपैथी से ज़्यादा दिन कुछ नहीं चलता है। वी डोंट वॉन्ट सिंपैथी, हमारे बच्चों को सिंपैथी नहीं चाहिए। वॉट वी वॉन्ट इज एम्पैथी। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हमें एम्पैथी चाहिए। आज जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी के बात कर रहे हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हमारे बच्चों को भी, फैसिलिटीज़ देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, है ना। और ये सारे बातों की जड़ या शुरुआत होती है कहाँ से, परिवार से। नेक्स्ट जो है रोल ऑफ होम में, ये भी आज के दिन में नेक्स्ट स्लाइड में है, हमारे सभी बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ रोल ऑफ होम इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स। आइए हम स्लाइड में देखते हैं। रोल ऑफ होम इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, इसमें क्या क्या स्किल है? सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्किल्स, सिलेक्टिंग सूटेबल वोकेशन, रिक्रिएशन एंड हॉबीज। सोशल स्किल्स हम सीखते ही है परिवार से, जो हमने ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिस्कस भी कर चुके हैं। जैसे किस तरह से आप लोगों को ग्रीट करोगे, घर में कोई आए तो हम पानी ऑफर करते हैं या चाय ऑफर करते हैं, किस तरह से हम करेंगे, पेश आएंगे। और इसके साथ जुड़े हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ये देखा गया है कि सभी इसमें, जैसे जब मैं कभी मैं कोऑर्डिनेटर थी एक स्कूल में, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आया कि बच्चा बड़ा जोर शोर से बात करते हैं, गाली गलौज आ जाते हैं। तो बुलाया गया बच्चों के पेरेंट्स से, बच्चे के मादर ने बोला कि भाई ये तो ऐसे होगा ही, घर में सभी लोग, इनके पापा भी ऐसे ही बात करते हैं। पापा को भी बुलाया तो पापा ने बोला, मैडम जी मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तो भगवान से भी इसी भाषा में बात करते हैं। तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, अगर घर में बहुत ज़्यादा वैसे लैंग्वेज यूज़ होते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ होते हैं, कोई जान के नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही, तो बच्चे भी ये सारे यूज़ बच्चों को भी हम देखा है कि बच्चे भी करते हैं। और जिस तरह के बातें घर में होता है, इसके साथ घर का कल्चर, एजुकेशन, सब कुछ जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स के एजुकेशन, है ना, ये सभी बात जुड़े हुए हैं। आप देखोगे हिंदी में भी बहुत फ़र्क है, कई लोग बड़े सुंदर अच्छे इसमें हिंदी में बात करते हैं और कई लोगों का हिंदी थोड़ा अलग होते हैं, कई समय दूसरे भाषा का मिक्सचर हो जाते हैं, है ना। तो ये है, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेवलप करते हैं परिवार के माध्यम से, किस तरह हम बात करेंगे। डेफिनेटली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ब्लाइंड के लिए पॉसिबल नहीं है, रिटन छोड़ के, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो वर्बल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सभी परिवार से होते हैं। इसीलिए मैं का इस मतलब मानती हूँ कि ज़्यादा जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगा तो बेटर वे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, है ना। देन ग्रूमिंग, किस तरह बच्चे अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। हिंदी में एक कहावत है, पहले दर्शन भारी पीछे गुण विचारी, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब बच्चा दृष्टिबाधित है तब उसके हर स्किल, हर एक्ट को दृष्टिबाधिता के नज़रिए से देखा जाता है। किस तरह का ड्रेस किए है, उसे भी अगर प्रॉपर मैचिंग नहीं है तो भी होगा, हाँ दिखाई नहीं देता है ना, तो इसीलिए हमारे समाज ऐसा ही है मोस्टली। तो हमें भी इस समाज में रहने हैं तो हमारा प्रॉपर ग्रूमिंग, हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के प्रॉपर ग्रूमिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत, मतलब हमें अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है, कंघी कराना, ड्रेस फिट फाट रखना, है ना, ये सभी बात, उनको कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपरली डेवलप करना। और एक बात है, मतलब कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा दरिया
अपने शिवाधीन बच्चों के लिए है, वो अपना नीड्स, अपना जो भी बात है वो अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग स्किल्स। छोटे छोटे लिविंग स्किल्स होते हैं, पर आम बच्चे जैसे देख के सीखते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे के पास देख के सीखने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मोस्टली दृष्टिबाधित बच्चे क्या करते हैं, वो उसे हम छोटा छोटा टास्क में, छोटा छोटा स्टेप में हमें उसको सिखाना पड़ता है थ्रू मीडिएटेड लर्निंग। नेचुरल लर्निंग यहाँ पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ मीडिएटेड लर्निंग। जैसे मान लीजिए ब्रशिंग स्किल, ये भी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, जिसे हमें एक एक करके, जैसे ब्रश में पेस्ट लगाने से लेके एक एक स्टेप को हमें अच्छे से बच्चों को सिखाना पड़ता है। ये जैसे आप मीडिएटेड लर्निंग के बारे में बता रहे हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, सो इसमें क्या हम वर्बली उनको सारे स्टेप्स बता के स्किल्स सिखा सकते हैं? वर्बली और कई समय फिजिकल प्रॉम्प्ट भी देना पड़ता है, जैसे गार्गल। ब्रशिंग में हम लोग कुल्ला करते हैं, है ना, गार्गल करते हैं, तो ये आप कितना वर्बली भी बताओ, हम मुंह में पानी लेके खुद गार्गल करोगे, बच्चे को ऐसे दिखाना पड़ता है कि आप ऐसा होता है, देन बच्चा फील करे, बच्चा देखे, एंड देन दे विल डू द सेम, है ना। तो डेफिनेटली कुछ हद तक, जैसे पेस्ट को कैसे, ब्रश को पकड़ना है, कहाँ से आप पेस्ट को लगाओगे, ये सारे बात इनिशियली दिखाना है। ईटिंग स्किल में क्लॉक कॉन्सेप्ट इनिशियली दिखाना है ना। अच्छा, डेफिनेटली रिसोर्स टीचर या स्पेशल टीचर इसमें हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कुछ कुछ परिवार से कुछ स्पेशल टीचर भी हेल्प करते हैं। बट देखिए, ब्रशिंग, ये ब्रशिंग जनरली हम सवेरे के समय करते हैं या रात के समय, इसको डे टू डे इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, परिवार के लोग, है ना। सवेरे उठते समय तो टीचर वहाँ उपस्थित होना रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है, ना रात के समय भी पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली बच्चा को भी सिखाओ, साथ में परिवार के किसी भी एक सदस्य को, जो भी केयर गिवर है, तो फिर वो सीखने के बाद वो बच्चे को इसको इम्प्लीमेंट करे, 2-4-6 बार बच्चा सीख जाएंगे एंड डेफिनेटली हैबिट फॉर्म हो जाएगा, है ना। फिर छोटे छोटे चीज़ों में, जैसे पहले भी मैंने बताया, कुकिंग में काफ़ी काम कर सकते हैं। जब हम देखेंगे कि मतलब बच्चा एक परिवार में प्रोडक्टिव, एक मतलब सेम, ऑलमोस्ट सेम इनपुट दे रहे हैं, है ना। टेबल अरेंज करने में हम लोग लगा दिया, जैसे 12-15 साल की लड़की है तो उसे लगा दिया, आलू उबला हुआ आलू को पील करने में लगा दिया, मटर छीलने में, ये सारे काम में हम लगा सकते हैं, है ना। बेड मेकिंग में, कपड़ा तैयार करने में, तो उसे बॉन्ड भी बढ़ेगा, बच्चे के पास खाली टाइम रहेंगे तो देर वेर सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक मैनरिस्टिक बिहेवियर का प्रॉब्लम है, और ये सारे चीज में फैमिली का, मतलब आप देखोगे एक सहयोग है, फैमिली भी देखेंगे कि अरे ये तो काफ़ी काम कर सकते हैं, तो बाहर भी काम कर सकते हैं, तो धीरे धीरे फैमिली में एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा। जब हम ये सोचते हैं इनके लिए हमें करना पड़ रहा है, और जब उल्टा पड़ता है ये हमारे लिए भी करते हैं, दो दिखाई नहीं देता है, तब हमारा दरिया, हमारा नज़रिया भी उस व्यक्ति के तरह अलग हो जाता है, है ना। सिमिलरली सूटेबल वोकेशन, कई समय हमने देखा कि फैमिली का एक पर्टिकुलर ट्रेड है। मेरी एक दृष्टिबाधित ट्रेनी था, बहुत अच्छा वो मिट्टी का काम करता था, कहाँ से सीखा ना, घर में पापा करते थे, हम देखते थे वो फिगर्स को, और धीरे धीरे करने का कोशिश करते हैं। तो फैमिली का ट्रेड होते हैं, कई समय फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए जो विषय पापा ने पढ़ाई किया है, या फैमिली के लोग उस विषय के बारे में अगर जानते हैं, तो दे यूज़ टू हेल्प, है ना। तो सूटेबल वोकेशन क्या है, इसमें भी फैमिली का काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से बच्चे को एक इनपुट मिल जाता है, और उसमें अगर अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है, फैमिली सपोर्ट मिल जाता है, तो आगे उसको बढ़ने में इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंट लिविंग ही है। रिक्रिएशन और हॉबीज, ये भी है, कोई एक रिक्रिएशन, एक हॉबी ज़रूरी होते हैं। देखा गया है अगर फैमिली में म्यूज़िक का चर्चा ज़्यादा है, गाना बजाना ज़्यादा चलता है, तो बच्चे भी उसके तरफ
ध्यान देते हैं, तो ये खाली समय में ही लाइफ को एंजॉय करने का के लिए भी हमारे सबके लिए एक रिक्रिएशन या हॉबी की ज़रूरत होते हैं जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और इंडिविजुअल्स की अपनी अलग हॉबी होती है, उनका रिक्रिएशन के लिए सिलेक्शन होता है कि उनको किस चीज़ में एंजॉयमेंट मिलता है, क्या उनके एंटरटेनमेंट के लिए है। इस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स में कैसे हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं और उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक गोल है मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। और हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स के थ्रू बताया कि किस तरह से सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका रिक्रिएशन, हॉबीज़ इस तरह से, और उनको सुटेबल वोकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ये हम बात कर रहे थे रोल ऑफ होम इन फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंट स्किल्स डेवलपमेंट। बाकी की डिस्कशन हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. Thank you.
वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स के बारे में, और इसमें हमारे एक्सपर्ट ने काफ़ी पॉइंट्स एग्जांपल्स के थ्रू बताए थे कि किस तरह से अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, वोकेशन, हॉबीज, रिक्रिएशन, इन सब में तो किस तरह से हमें काम करना चाहिए, पेरेंट्स का एटीट्यूड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी किस तरह का होना चाहिए, और इसमें हम सारे एक्सपर्ट्स, स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं रोल ऑफ होम के बारे में। अभी हम लोगों ने ब्रेक के पहले काफ़ी हद तक रोल ऑफ होम के बारे में जो भी है पॉइंट कवर किया। दो चार पॉइंट और भी है, स्लाइड पे आइए हम देख लेते हैं। रोल ऑफ होम, डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सपोर्ट एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंट पीरियड। पर्टिकुलरली मैं ये मेंशन किया एडोलेसेंट पीरियड, बट हमें इनिशियल स्टेजेस में जब टॉडलर रहते हैं बच्चा, या जब बच्चे का एलिमेंट्री लेवल होते हैं पढ़ाई के, ये सभी समय हमारे या बाद में भी हमें अपने परिवार का साथ हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। बट एज़ वी नो कि एडोलेसेंट पीरियड जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, और ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोनल ग्लैंड्स देयर आर सर्टेन चेंजेस इन आवर फिजिकल चेंजेस एज वेल एज मेंटल चेंजेस। तो ये चेंजेस ऐसे नहीं कि सिर्फ रेगुलर बच्चों को ही होते हैं, ये सबके साथ होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ भी होते हैं। तो कई चीज़ें हैं जिसे हम विजन से सप्लीमेंट कर सकते हैं, और विजन ना होने के कारण कई चीज़ों को हम हमारा जो सब्लिमेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है। एट द सेम टाइम हमें पता भी नहीं चलते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे स्कूल्स में अभी भी उस तरह से सेक्स एजुकेशन नहीं है, एडोलेसेंट एजुकेशन की बात हम करते हैं पर उस तरह से अभी भी शुरू नहीं हुए हैं, और ये एक टैबूड विषय माना जाता है जो हम परिवार के साथ भी ठीक से शेयर नहीं कर सकते हैं, कम्फर्टेबली शेयर नहीं कर सकते। तो इसमें परिवार के लोगों को भी मतलब सचेत होना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्यों ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, कि क्यों ऐसा हो रहा है। एंड जो भी हम जानते हैं कि एडोलेसेंट में बच्चा कई समय थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वट एवर वो भी हमारा है, तो हमें उसे थोड़ा सिंपैथी के साथ ट्रीट करना चाहिए, थोड़ा समझ के साथ बच्चों की जानने की, इस समय को, स्ट्रेसेस को समझने की कोशिश करना ज़रूरी है। हालांकि कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, या ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने से आजकल बोलते हैं कि इट इज़ बेटर के बच्चों के साथ हम ज़्यादा फ्रेंडली वे में मिक्सअप करें, तो हमें बच्चों की समस्या, बच्चा भी सुरक्षित महसूस करें। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं सच बोलूँ, अगर मैं अपना क्वेरीज अपने मम्मी पापा के सामने रखूँ, तो डेफिनेटली मुझे कोई बताएंगे बट मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मुझे कोई नहीं डांटेंगे, तो बच्चा भी कंफर्ट फील करते हैं। सिबलिंग अगर है घर में, अगर छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं या एक एज के भाई बहन हैं, तो काफ़ी हद तक जो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स होते हैं या एडोलेसेंट समय के इस समय का जो सपोर्ट का ज़रूरत होता है वो बच्चों को मिल जाता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एस्थेटिक सेंस जो है ये भी हम कई मतलब परिवार से ही सीखते हैं। कई हैबिट्स है, रास्ता गंदा करना, इधर उधर थूकना, ये अगर हमारे हमने देखा कि ऐसे परिवार में और कोई नहीं करते हैं, और इसको हम छोटे से ही बच्चा को मना करें, जैसे केला खाया छील का ऐसे ही फेंक दिया कि किसी और उस छिलके के ऊपर पैर रख के स्लिप करके गिर भी सकते हैं, एंड दैट इज़ अगेंस्ट एस्थेटिक, है ना। तो डेफिनेटली बच्चा ऐसा हैबिट में आएगा ही नहीं। कोई भी साफ जगह गंदा नहीं करते हैं, और गंदा करने का सोच भी बच्चों में नहीं आते हैं। तो ये भी, ये एस्थेटिक सेंस भी हमारा छोटे से ही बच्चों को, बच्चों में डेवलप करना ज़रूरी होते हैं। परिवार की चर्चा हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, तो आइए हम अब स्कूल का क्या भूमिका है उस विषय में डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ स्कूल, देखते हैं हमारे स्लाइड में क्या है।
फर्स्ट फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ स्पेशल स्कूल, रोल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, फिजिकल बैरियर, एटीट्यूडिनल बैरियर, इंफॉर्मेशनल बैरियर। तो रोल ऑफ स्कूल में हमारा पहला पॉइंट जो है, वाकई में कोई भी शिक्षा के पहला फॉर्मल एजेंसी, औपचारिक रूप से जो एजेंसी है वो है स्कूल। बच्चा पहली बार स्कूल के लिए तैयार होते हैं, पहली बार जो आप बोल सकते हो स्कूल इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, कम तो उस सोसाइटी के साथ पहली बार बच्चा का इंटरेक्शन होते है, जो बृहत्तर समाज है उसके साथ बच्चा का पहली बार इंटरेक्शन होते है स्कूल के माध्यम से। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि स्पेशल स्कूल के क्या भूमिका है दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षा में। देखिए, जितना भी हम इंक्लूशन की बात करें, जितना भी हम एकीकरण या इंटीग्रेशन की बात करें, आज भी स्पेशल स्कूल के जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हम मतलब डिनाई नहीं कर सकते हैं। आज भी अगर आप टोटल दृष्टिबाधित पॉपुलेशन को देखें तो उसमें कई बच्चे हैं जो स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं, और आज भी कई सक्सेसफुल दृष्टिबाधित व्यक्ति के ज़िंदगी के पीछे स्पेशल स्कूल के कंट्रीब्यूशन है। डेफिनेटली स्पेशल स्कूल के लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशंस है, बट पूरा ही एकदम नेगेट करने लायक है या नहीं है यह हमें सोचना पड़ेगा। हमारे देश में कई समय देखा गया कि दृष्टिबाधित के साथ दारिद्र या गरीबी या पॉवर्टी जुड़े हुए होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि अपने परिवार में सबसे पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि बाकियों को पढ़ाई का कोई सुविधा ही नहीं मिला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ के एजुकेशन बस एनरोलमेंट इन स्कूल्स, पर क्वालिटी एजुकेशन मिला है। कई ऐसे दृष्टिबाधित जना है जो अपने पूरे गाँव में सबसे पढ़े लिखे हैं, है ना। स्पेशल स्कूल में हालांकि सभी कुछ मतलब दृष्टिबाधित बच्चों के हिसाब से बनते हैं, जनरली स्पेशल स्कूल्स आर रेसिडेंशियल स्कूल्स, तो इसमें जैसे फिजिकल एजुकेशन बोलिए, जैसे क्रिएटिव आर्ट बोलिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लस करिकुलर एक्टिविटीज़ और कोर करिकुलम एक्टिविटीज़, सब कुछ ही दृष्टिबाधिता को ध्यान में रखते हुए बनते हैं। उसके साथ साथ रहने का सुविधा, बोर्डिंग की सुविधा भी बच्चों को मिलते हैं। पर स्पेशल स्कूल में एक है कि जो बृहत्तर समाज है, सोसाइटी है, उसमें आम बच्चों के साथ, आम रेगुलर बच्चों के साथ मिक्सअप करने की कोई मतलब सुविधा उस तरह नहीं है। तो नेचुरली जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, एक समय स्कूल छोड़ना पड़ता है, और वो जो ट्रांजिशनल टाइम है, वो जब स्कूल से कॉलेज की तरफ जाते हैं, जब मतलब समाज में उसका मतलब इंटरेक्ट करना पड़ता है, मिक्सअप करना पड़ता है, तो कई समय एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होते हैं, और बार बार वो वही स्कूल के आसपास ही घूम रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, बार बार वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ हम जो भी समाज में रहें, हमारा जो समाज है वो मतलब बेसिकली रेगुलर पर्सन्स के समाज है, तो वहाँ साइटेड लोगों के साथ आपको अगर छोटे से इंटरेक्शन होते हैं, तो जो साइटेड पर्सन है वो भी आपके बारे में ज़्यादा जानेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैनरिस्टिक बिहेवियर या एडोलेसेंट प्रॉब्लम भी देखा गया है कि बेटर वे में सॉल्व होते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स में, और सोशल स्किल के डेवलपमेंट भी देखा गया है कि बेटर वे में सॉल्व होते हैं इंक्लूसिव स्कूल में। एक बहुत बड़ी बात है कि जब बच्चा घर के साथ, परिवार के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होते हैं, 6 साल में बच्चा लगभग स्कूल में आ जाते हैं, और उसके बाद मतलब 16 से 18 साल तक बच्चा स्कूल में ही रहते हैं, तो नेचुरली परिवार में कभी छुट्टी में गए या ना गए, तो फिर परिवार चाहे जैसा भी हो, जिस तरह भी हो,
वहाँ मैलएडजस्टेड हो जाती है। परिवार के लोग भी दृष्टिबाधिता को या उस बच्चे का नीड को नहीं समझ पाते हैं कई समय, और दृष्टिबाधित बच्चे भी परिवार के लोगों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारे बात स्पेशल स्कूल के साथ जुड़े हुए होते हैं, पर जो भी वहाँ के करिकुलम है या जो भी व्यक्ति उस स्कूल के साथ जुड़े हुए होते हैं उनका दृष्टिबाधिता के बारे में एक अंदाज़ा या जो भी नॉलेज है वो पूरा रहता है। ठीक है, जैसे कि मैम हम बात करें रोल ऑफ स्कूल, और आपने बताया कि स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, इन सब का रोल होता है फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। और पहले हमने बात करी थी कि अगर ब्लाइंडनेस की बात करें तो टोटल ब्लाइंडनेस भी होती है, पार्शियली ब्लाइंडनेस भी होती है। अगर हम इस पॉपुलेशन को कंसीडर करें विद रेफरेंस टू स्पेशल स्कूल्स, तो इनका मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है? जैसे पार्शियली ब्लाइंडनेस है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, टोटल ब्लाइंड बच्चा है उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, तो स्पेशल स्कूल में कैसे मैनेजमेंट होता है इनका, किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है? एक्चुअली देखिए बड़े मतलब दुख के साथ बता रही हूँ, मतलब बाकी जैसे फिजिकल एजुकेशन में भी इनका कैटेगरी है B1 B2 करके अकॉर्डिंग टू आपका लेवल, विजन के लेवल के हिसाब से। पर पढ़ाई के मामले में जो लार्ज प्रिंट मटेरियल आज भी हम बहुत कम लो विजन को दे पाते हैं। कई स्पेशल स्कूल में आप देखेंगे कि आप खाली आँख से ब्रेल बुक पढ़ रहे हैं एकदम सामने लेके, बिकॉज वी शुड प्रोवाइड लार्ज प्रिंट मटेरियल, बट हम लोग उस तरह से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग आजकल काफ़ी चल रहे हैं, कंप्यूटर लगभग सभी स्कूल्स में पहुंच गए हैं, मतलब कई स्कूल्स में पहुंच गए हैं, और उसमें भी लो विजन बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, उसमें उसके उस मतलब इनलर्ज वहाँ पॉसिबल है आपके अपने फॉन्ट के हिसाब से। नए नए सॉफ्टवेयर जैसे मैजिक है जिसमें आप काम कर सकते हो, लो विजन बच्चे भी काम कर सकते हैं, और ब्लाइंड जनर स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जैसे जॉज है उस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बट डेफिनेटली लो विजन बच्चों को जितना मतलब लार्ज प्रिंट मटेरियल चाहिए वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट, ये बात तो अभी भी है। नेक्स्ट रोल ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव स्कूल्स। इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव स्कूल्स के जो कहानी है वहाँ कई चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। जैसे पहली बात है कि प्रिपरेशन एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही बच्चे को हम नहीं भेज सकते स्कूल में, या स्कूल में भेजने के बाद भी, एनरोलमेंट के बाद भी हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है। पर स्कूल में कई तरह के प्रॉब्लम्स है, कई तरह के चैलेंजेस है, कई तरह के बाधाएं या बैरियर है। आज हम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट या बाधा रहित वातावरण की बात करते हैं। अब ये बाधा रहित वातावरण का तीन मेन बात है, एक है फिजिकल बैरियर, हो सकता है स्कूल में रैंप नहीं है, बच्चा फिजिकली चैलेंज है, हो सकता है दृष्टिबाधित बच्चा है, और दृष्टिबाधित बच्चों के जो टैक्टाइल वे में आप जो टैक्टाइल पाथ होते हैं वो नहीं है, हर क्लासरूम के साथ ब्रेल में लेबलिंग नहीं है, जो भी नोटिस बोर्ड है उसमें ब्रेल में कुछ भी नहीं होते हैं, ऐसे कॉमन बात है ये कोई। अब नोटिस बोर्ड इतना ऊपर है कि बच्चे छू के पढ़ भी नहीं सकते, तो ये सारे बात आ जाते हैं। ये तो कुछ फिजिकल बैरियर है, बच्चों को प्रॉपर एड्स एंड अप्लायंसेस नहीं मिल रहे हैं, बच्चों को प्रॉपरली किताबें नहीं मिल रहा है, बच्चा के कई टाइप के जो यू नो दृष्टिबाधा है, तो जैसे मान लीजिए कई बच्चों का ऐसा है कि ग्लेयर में प्रॉब्लम होता है, जिनका एल्बिनिज्म है उसमें ग्लेयर में प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको हमें ऐसे जगह बिठाना है जहाँ से ब्लैक बोर्ड में ग्लेयर नहीं आते, उसमें काफ़ी हद तक बच्चे काम कर लेते हैं, बट ये समझ टीचर में नहीं है, तो ये बात आ जाती है एटीट्यूडिनल बैरियर। फिजिकल बैरियर हम कई तरह से, मान लीजिए ब्लाइंड बच्चा इससे तो कुछ ना कुछ अपना एडजस्ट कर भी सकते हैं, पर या हम उसको सुधार भी कर सकते हैं, पर एटीट्यूडिनल बैरियर इज़ द मेन चैलेंज। मान लीजिए अगर स्कूल के प्रिंसिपल ही मानते हैं कि नहीं ये बच्चा तो पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है आपने दिखाया, आपने राइट टू एजुकेशन दिखाया, आपने सर्कुलर दिखाया, बच्चा मिल गया,
पर जबरदस्ती से दाखिला मिला। आपके अंदर ये बात कन्विंस बिल्कुल नहीं है कि ब्लाइंड बच्चा भी साइटेड बच्चा के साथ पढ़ सकते हैं। रेगुलर क्लास में रेगुलर टीचर मानते हैं कि ये फिसे या और कहा गया ये लोग तो ऐसे ही है। मुश्किल कहाँ होता है कि मान लीजिए पहले से ही हम एक अपना बना के चलते हैं, जब अगर बच्चा आने से पहले ही टीचर जी ने मान लिया कि इस बच्चा नहीं कर सकते, तो वो जो नेगेटिव वेव है वो बच्चों में भी जाएगा, बच्चे को भी पता लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। कई समय ऐसा होता है कि बच्चा अपने आप को प्रूफ करते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि हाँ भाई मैं करके दिखाता है। कई समय मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए। दूसरी बात है, एक बच्चे को देख के कई समय हम लोग एक धारणा कर लेते हैं, मेरे पास एक ब्लाइंड बच्चा है, मैंने सोच लिया सारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये गलत है। जिस तरह एक कोई भी आम बच्चे में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं, तो ब्लाइंडनेस सेकेंडरी, फर्स्ट इज एन इंडिविजुअल चाइल्ड। तो वी हैव टू ट्रीट द चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल चाइल्ड। बेसिकली सब में ही स्ट्रेंथ्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, बट उसको ओवरकम करके हम पॉजिटिव पार्ट में फोकस करें, दैट इज द मेन थिंग। डेफिनेटली। एंड देन इंफॉर्मेशनल बैरियर, जैसे कहाँ क्या मिलेगा। कई समय बच्चों को किताबें प्रॉपरली नहीं मिलते हैं, स्कूल का 10 दिन बाकी या एग्ज़ाम के बाद ब्रेल बुक आए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है ना। बट कहाँ मिलेगा ब्रेल बुक, कहाँ मिलेगा टेलर फ्रेम, ये पता ही नहीं होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना। तो ये इंफॉर्मेशनल बैरियर भी है। ब्लाइंड बच्चे भी कंप्यूटर में आराम से काम कर सकते हैं, पर उनको एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर चाहिए। ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर कैसे उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि सरकारी तरफ से पैसा कुछ कम दे रहा है, ऐसा नहीं है। इस इंक्लूशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी हमारे साथ है ना। तो बट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली। हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, हर एक क्षेत्र में ही आप देखोगे कि जिनके लिए सुविधाएँ हैं वो इंफॉर्मेशन या सूचना सही समय पर नहीं मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशनल बैरियर से भी हमें बाहर आना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रोल ऑफ रेगुलर टीचर। इंक्लूसिव स्कूल में या इंटीग्रेटेड स्कूल में बच्चा रेगुलर टीचर के पास भी जाएगा और रिसोर्स टीचर के पास भी जाएगा। सो रोल ऑफ रेगुलर टीचर, पॉजिटिव एटीट्यूड, पीयर सेंसिटाइजेशन, कोऑर्डिनेशन विद अ स्पेशल टीचर, करिकुलम ट्रांजेक्शन, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। रेगुलर टीचर और रिसोर्स टीचर की या स्पेशल टीचर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत क्लियरली मतलब जानना जरूरी है। रेगुलर टीचर मस्ट नो कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में करेंगे। अगर रेगुलर टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड है तो डेफिनेटली बच्चे का सक्सेस बेटर वे में होगा। जैसे मान लीजिए कई स्कूल में या मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का बोलिए, एकीकृत शिक्षा का बोलिए, समावेशी शिक्षा का बोलिए, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन क्लास में बच्चों को हम मोस्टली दृष्टिबाधित बच्चों को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और हम इनकरेज भी नहीं करते। हम मान लेते हैं कि वो कैसे करेंगे, उसे तो दिखाई नहीं देता है। पर अगर हम गौर से सोचते हैं तो फिर 75% एक्टिविटीज़ जो है वो दृष्टिबाधित बच्चे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ब्लाइंड पर्सन का और ब्लाइंड चिल्ड्रन, विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन कैन डू योगा, ड्रिल, फ्री हैंड फिजिकल एक्सरसाइजेस, मार्च पास्टिंग, है ना, ये सारे चीज कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो भी मेथड है वो मेथड अलग है। अगर टीचर सोचते हैं कि ठीक है कैसे करेंगे, तो वो खुद ही अपने इच्छा से मोटिवेशन, आपको बच्चा भी मोटिवेटेड टीचर अगर है कि मेरे क्लास में एक दृष्टिबाधित बच्चा है और वो हर क्लास में ऐसे कोने में बैठा रहता है, तो हाउ कैन, कैसे मैं इनको बाकी 40 बच्चों के साथ सम्मिलित करूँ, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। तब उनको लगेगा चलो स्कूल में जो स्पेशल टीचर है उनसे भी मैं बात करूं,
वो ज़रूर कुछ बताएगा, है ना। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा ही हमारे साथ बात करे, ये हमारा ड्यूटी नहीं है, अरे इसको क्या सिखाओ, ये बेस्ट बातें आ जाती हैं। करिकुलम एडेप्टेशन में भी ये बात बोलते हैं कि जहाँ भी हम ऑमिशन कर रहे हैं, एकदम हटा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट देना ही है ना। तो यहाँ भी तो आप हटा नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ तो उसको भी मिलना चाहिए। और जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो शारीरिक विकास भी जरूरी है, ये तो मानते ही हैं हम सभी लोग, है ना। देन पीयर सेंसिटाइजेशन, क्लासरूम के बच्चों के साथ जो भी पढ़ेगा उनका सेंसिटाइजेशन बेसिकली रेगुलर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनको समझाना, उनको बताना, बिकॉज रेगुलर टीचर उनके टीचर हैं। और बच्चे, पर्टिकुलरली छोटे बच्चे, अपने टीचर के बात एकदम पूरा मानते हैं, है ना। तो वो आसान होते हैं। रिसोर्स टीचर सिर्फ दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम करेंगे, बट क्लासरूम ट्रांजेक्शन में उनका कोई रोल नहीं होते हैं। तो नेचुरली जो मेरे डायरेक्ट टीचर है उनके बात ही हम ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ भी रेगुलर टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेशल टीचर के साथ एक कोऑर्डिनेशन रखना, बच्चा कैसे क्लास में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, वहाँ अगर मैप है या डायग्राम है ये उनको बताना, ताकि वो प्रोवाइड कर सके बच्चे को। और करिकुलम ट्रांजेक्शन डेफिनेटली ये तो उनका काम है ही है। और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा का टोटल क्लासरूम में जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी समस्या है, मतलब एनीवे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ या इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम है, वो रेगुलर टीचर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये क्लैरिटी के साथ अगर रेगुलर टीचर काम करेंगे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। रोल ऑफ रिसोर्स टीचर या स्पेशल टीचर, उनका क्या रोल है। पहली बात तो ये आ जाते हैं कि प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द रेगुलर क्लास, सिलेक्शन ऑफ प्लेसमेंट, टीचिंग प्लस करिकुलर एक्टिविटीज, सेंसरी ट्रेनिंग, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, टीचिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। पहली बात तो यही आते हैं कि हमें बच्चा को प्रिपेयर करना है। किसके लिए प्रिपेयर करना है, ना इंक्लूशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो और प्लेसमेंट सिलेक्ट करना है कि इनको ब्रेल मोड में दें या इनको इस मोड में लार्ज प्रिंट में देंगे, उस हिसाब से हमें बच्चा का पेपर मतलब मटेरियल प्रिपेयर करना है। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो है जमा पाठ्यक्रम या प्लस करिकुलर एक्टिविटीज़ सिखाना, जैसे सेंसरी ट्रेनिंग या ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, रोजी ज़िंदगी के जो जो एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सबसे ज़रूरी, जैसे अभी नर्सरी स्कूल में एडमिशन चल रहा है तो पहला क्वेश्चन यही होता है बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है या नहीं है, तो ये सारे बात आ जाते हैं। बच्चा खुद प्रॉपरली टिफ़िन खा पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ड्रेसिंग आता है नहीं आता है, ये सब बात आ जाते हैं। देन ब्रेल रीडिंग राइटिंग, ओरिएंटेशन मोबिलिटी और टीचिंग एड्स अप्लायंसेस, जैसे टेलर फ्रेम, एबकस, ये सब सिखाना। ये सब कौन सिखाएंगे, स्पेशल टीचर या रिसोर्स टीचर। नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ रिसोर्स टीचर। करिकुलम एडेप्टेशन, प्रोवाइडिंग राइट मटेरियल इन द राइट फॉर्म एट द राइट टाइम, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, पेरेंटल काउंसिलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन विद द रेगुलर टीचर। करिकुलम जो भी है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसमें अगर कोई एडेप्टेशन की ज़रूरत है तो वो करना है। इसमें हम मॉडिफिकेशन, ओमिशन, डुप्लीकेशन और सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वही बात, अगर कुछ ओमिट किया तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। डुप्लीकेशन क्या है, मान लीजिए एक पोएम है, उसको आप ब्रेल में लिख रहे हैं तो वो डुप्लीकेशन है, सेम चीज, कोई चेंज नहीं है। जब मॉडिफाई तभी करते हैं जब हम चेंज करते हैं, मान लीजिए आम तौर पे जो मैप देख रहे हैं उसको हम मॉडिफाई करते हैं टैक्टाइल मैप में, तो ये करिकुलर एडेप्टेशन होते हैं। करिकुलर या जो भी पाठ्यक्रम, उसमें भी TLM के साथ साथ उसमें भी कुछ कुछ चीज़ों में हम एडेप्टेशन करते हैं बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से। अडेप्टेशंस जैसे कि आपने बताया कि हम बच्चों के लिए करते हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पे हम बात करें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में, और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह से
रेगुलर टीचर रिसोर्स टीचर का रोल होता है और स्कूल इज़ द फर्स्ट फॉर्मल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन. तो हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह से हम बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, अगर रिसोर्स टीचर है तो कैसे कोऑर्डिनेशन करा जाए, करिकुलम एक्टिविटीज़ प्लान की जाए, कैसे उनको टीचिंग प्रोवाइड की जाए और सेम उनको प्रिपेयर किया जाए इंक्लूजन के लिए रेगुलर टीचर जहाँ उनके साथ वर्क करता है. ये हम बात कर रहे थे रोल ऑफ स्कूल, इसकी आगे की चर्चा हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. There was a time when persons with mental handicap used to be considered burden on the society. In fact, at some places they used to be killed and badly treated. Gone are the days now. Lot of changes have taken place in thinking and attitude of people towards persons with mental retardation. We have moved away from this attitude of burden to the society. We no longer believe they are burden on the society, but they are productive members of our society. In fact, there is a complete paradigm shift from charity and welfare to the right-based and inclusive society. We are all working towards creating an inclusive society. In fact, now, with the implementation of UNCRPD, the whole nation is geared towards implementing the objectives of UNCRPD, which is creating an inclusive society and not segregating them. So let us all be prepared to help them participate in an inclusive society, to help them enjoy an inclusive society, to help them create an inclusive society, and let's all join hands with them. ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना. देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन ओपन करके, ओपन ओपन. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप. UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है. ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं. सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है. कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है. असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है. उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं. Very good. Glass. Where is the glass? Very good. कप को टच करो जल्दी से. कप को. Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है गणेश? टी पीता है. चलो ग्लास. Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह, बाउल बाउल जल्दी से टच करो बाउल को. Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है.
ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियाँ उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया, एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने बात की रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ होम, और होम में काफ़ी सारा हमने डिस्कशन किया विद पेरेंट्स, अदर फैमिली मेम्बर्स। स्कूल पे हमने बात की रिसोर्स टीचर, रेगुलर टीचर, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, स्पेशल स्कूल्स के लिए। ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट ने आपको दी, तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हम लोग ब्रेक से पहले रोल ऑफ रिसोर्स टीचर डिस्कस करते हैं, तो उसी में ही वापस जाते हैं। करिकुलम एडेप्टेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। प्रोवाइडिंग राइट मटेरियल इन द राइट फॉर्म एट द राइट टाइम, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सही समय पे सही जो भी मटेरियल है वो देना है। मान लीजिए आपको, आप क्लास में चल रहा है ज्योग्राफी का लेसन क्लाइमेट, मौसम, भारत के मौसम, तो उस समय जिस समय बाकी बच्चों के पास आप प्रिंट मैप है या क्लास में प्रिंट मैप दिखाए जा रहे हैं, उस समय बच्चे के पास भी आपको सही मटेरियल मतलब भारत के क्लाइमेट या मौसम का ही टैक्टाइल मैप होना ज़रूरी है। उस समय आप अगर बच्चे को मैप तो दे दिया बट वो है इंडिया पॉलिटिकल, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इसीलिए राइट मटेरियल राइट फॉर्म में राइट टाइम में देना ज़रूरी है। क्यों राइट फॉर्म? क्लास में आके टीचर ने पूछा, बोला सभी बच्चों को कि भाई पेज नंबर 22 खोलो। पेज नंबर 22 ब्रेल बुक के पेज नंबर, प्रिंट बुक के पेज नंबर के साथ एक नहीं होता है, तो ब्रेल बुक में प्रिंट बुक के पेज नंबर होना भी आवश्यक है। तो उसमें बच्चे को नहीं, तो बच्चे पूरे क्लास ही पेज नंबर 22 प्रिंट बुक का ढूंढते जाते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ है बट इस पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, कहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध है, क्या क्या नए रिसर्च आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए सभी अगर बच्चों को हम थर्मोफॉर्म मशीन यूज़ करें, तो हम बड़े अच्छे से टैक्टाइल डायग्राम या हर एक टाइप के मैप्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो। कंप्यूटर के माध्यम से भी बच्चे का एक काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, बट इन सब के लिए आपको इंफॉर्मेशन कौन देंगे? स्पेशल टीचर देंगे। नेक्स्ट, पेरेंटल काउंसलिंग, पेरेंट को आप अगर काउंसलिंग करके, पेरेंट को अगर आप अपने जो भी मतलब बच्चे का जो भी ब्लाइंडनेस है उसको एक्सेप्ट कराने में आप समर्थ हो, पेरेंट को आपके साथ है, पेरेंट का कोऑपरेशन अगर टीचर को मिले, तो डेफिनेटली वो बच्चा सक्सेसफुल होगा।
कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन विद द रेगुलर टीचर बहुत ज़रूरी है. क्या पढ़ाया जाएगा रेगुलर क्लास में, क्लास में कहाँ कहाँ बच्चों का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे बट उसके बाद क्या क्या मटेरियलम चाहिए, ये सभी चीज़ बताएंगे. मतलब रिसोर्स टीचर रेगुलर टीचर के साथ कंसल्ट करेंगे. रिसोर्स टीचर आप क्या TLM बनाओगी, इसके लिए भी आपको रेगुलर टीचर का ही कंसल्टेशन ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाएगा उसके आधार पे ही आप अपना TLM प्रिपेयर करोगे, है ना. तो इसके लिए कंसल्टेशन ज़रूरी है. नेक्स्ट है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रेगुलर टीचर और रिसोर्स टीचर दोनों मिलके ही इंक्लूशन या समावेशन को सार्थक बनाते हैं. दोनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. रोल ऑफ अदर फंक्शनरीज एंड पीयर्स, इसके लिए सबसे पहला रोल है रोल ऑफ द प्रिंसिपल और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस. रोल ऑफ पीयर, जिसमें पीयर एक्सेप्टेंस है, पीयर अवेयरनेस है एंड प्रिपरेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रेन. प्रिंसिपल का रोल तो सब कुछ है, बिकॉज पूरा चीज को इम्प्लीमेंट करना काम है प्रिंसिपल का. बच्चे का एडमिशन से लेके हम लोग जब इंक्लूशन के बात करते हैं तो स्कूल में एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देने की जिम्मेवारी भी प्रिंसिपल का ही बनता है. तो यहाँ प्रिंसिपल का बहुत बड़ा एक भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एट द सेम टाइम सुपरविजन. कम्युनिटी में भी, समुदाय को जागृत करने में भी प्रिंसिपल का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, क्योंकि समुदाय के लोग स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के बात अच्छे से सुनते हैं, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो नेचुरली एक अलग रिस्पेक्ट प्रिंसिपल को मिलता है. पीयर एक्सेप्टेंस या पीयर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं. जैसे मान लीजिए पीयर एक्सेप्टेंस, किस तरह दृष्टिबाधित बच्चों को पीयर, उनके सहपाठी उनको मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हम पीयर को या सहपाठी को प्रॉपरली अवेयर किया है उनके नीड्स के बारे में, उनके एबिलिटी के बारे में, दृष्टिबाधित बच्चों का क्या ज़रूरतें हैं और वहाँ क्यों क्या मदद वो कर सकते हैं और क्यों ये मदद करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के समाज में हम सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भरित हैं, इंटरडिपेंडेंस की बात हम करते हैं, तो हर एक के कभी ना कभी कोई ना कोई मदद पड़ता है, किसी न किसी का मदद पड़ता है और उनको हमें मदद करना चाहिए. एट द सेम टाइम जिस दृष्टिबाधित बच्चों को भी हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए ताकि उसके साथ भी आम बच्चे रेगुलर बच्चे दोस्ती करें. ग्रूमिंग प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होना चाहिए, उनके जो अपीयरेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो ही लोग उनको उनके साथ दोस्ती करने आएंगे. मेरे क्लास में एक दृष्टिबाधित लड़का है, हम एक साथ पढ़ते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है पर मेरे फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में उसके बहुत सारे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास है, तो बच्चा डेफिनेटली उसके साथ एक दोस्ती करने का कोशिश करेंगे. ये सिर्फ साइटेड बच्चों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ हद तक दृष्टिबाधित बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे जाते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी. इसको हम एक ही आधार पे, क्योंकि समुदाय से ही समाज और समाज और समुदाय एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हम एक ही आधार पे ये डिस्कशन जारी रखेंगे. ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कम्युनिटी या समुदाय क्या है. व्हाट इज़ कम्युनिटी? अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट्स एंड नीड्स पार्टिसिपेटिंग इन प्रमोटिंग द कॉज ऑफ एजुकेशन विद इन अ पर्टिकुलर एरिया. जब हम यहाँ कम्युनिटी या समुदाय उसे कहते हैं जहाँ सब एक ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन ज़रूरत है और वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने एरिया में वो सभी लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कम्युनिटी, ये बहुत ज़रूरी है. हम ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं जिसके साथ ज़िंदगी बिल्कुल अलग है,
जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, जिस जगह पे हम पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की ज़रूरत और जो मतलब हमारा जो करिकुलम है उसकी ज़रूरत दोनों मैच नहीं करेगा तो कभी भी सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होते हैं। कम्युनिटी की ज़रूरत, कम्युनिटी के स्ट्रेंथ और कम्युनिटी के लिमिटेशन, ये सभी हमें मतलब सोचना चाहिए, कम्युनिटी को समझना चाहिए। कोई भी सक्सेस के लिए, कोई भी जितने स्कूल आज तक दृष्टिबाधितों के लिए चल रहे हैं, चाहे आप इंक्लूसिव स्कूल बोलिए, चाहे आप स्पेशल स्कूल बोलिए, कम्युनिटी सपोर्ट के बिना कहीं भी कुछ कोई भी स्कूल, किसी तरह का भी स्कूल सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। कम्युनिटी के सपोर्ट का आधार क्या है कि कम्युनिटी के भी आपको इन्वॉल्व करना है, ठीक है, कम्युनिटी को भी आपको समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं स्लाइड पे रोल ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। मोर एंड मोर एनरोलमेंट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन इन द स्कूल डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग ब्लाइंडनेस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, आई कैम, पेरेंट काउंसलिंग, इरेडिकेटिंग टैबूज रिलेटेड टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, ये तो एक बहुत बड़ा मतलब रोल है, क्योंकि बच्चे को आप पहले आइडेंटिफाई करोगे तभी आप मतलब उसका फिर जो भी क्लिनिकल असेसमेंट के लिए भेजोगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट तभी आप उसको स्कूल में दाखिला के लिए इनक्रेज कर सकते हो। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन में, मान लीजिए कम्युनिटी लीडर्स जो होते हैं या कम्युनिटी के लोग हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि भाई उस घर में कोई दृष्टिबाधित जना है, कोई बच्चा है दृष्टिबाधित जना, कोई नए जगह में अगर आप या मैं पहुँच गए तो हम पहले जिनसे बात करते हैं वो है कम्युनिटी लीडर, क्योंकि उनको अगर आप अपने इसमें ले लेते हैं कॉन्फिडेंस में, तो फिर धीरे धीरे पूरे कम्युनिटी आपके साथ आ जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि कम्युनिटी लीडर को आपको अपने साथ लेना ज़रूरी होते हैं। फिर हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दृष्टिबाधित बच्चे एनरोल हो, स्कूल में जाए, पढ़ाई या शिक्षा उनको मिले। इसमें भी कम्युनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि कई तरह के हमारे अंदर सोशल टैबूज है, क्या करेंगे ब्लाइंड पढ़ लिख के, कैसे पढ़ेंगे, इस तरह का कई प्रश्न होते हैं जिसे हमें कम्युनिटी को या समुदाय को समझाना पड़ेगा, पढ़ सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है जो अपने गांव में अपने जगह पे वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सभी उनको मास्टर जी नाम पे जानते हैं। मेरे वो स्टूडेंट दृष्टिवादित है, पर दृष्टिवादिता के साथ शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, वो कम्युनिटी के बच्चों के, अपने समाज के, अपने सोसाइटी के, समुदाय के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, स्कूल के बाद पढ़ाते हैं, तो मास्टर जी नाम से ही सभी जानते हैं, कोई नहीं बताते कि वो ब्लाइंड मास्टर जी है, ऐसे नहीं होते हैं, मास्टर जी है, ठीक है। तो जब कम्युनिटी देखेंगे कि आप कम्युनिटी के नीड को पूरा कर रहे हो, आप एक प्रोडक्टिव एजेंट हो, कम्युनिटी प्रोडक्टिव पर्सन हो, तो डेफिनेटली कम्युनिटी में आपको अपने समुदाय, अपने समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमें समझाना कम्युनिटी लीडर्स को, फिर कम्युनिटी के, अगर कम्युनिटी लीडर पेरेंट्स से बात करें तो नेचुरली पेरेंट बड़े आसानी से मान जाएंगे बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए। कई समय उल्टा होते हैं कि कई पेरेंट बोलते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे मतलब रेगुलर बच्चे, वो क्यों ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों के साथ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी फिर इनको कॉपी करते हैं। तो यहाँ भी कम्युनिटी के लोग समझाए, कम्युनिटी लीडर समझाए, तो डेफिनेटली बात बेटर बनते हैं। और जो पहले भी मैंने बताया कि स्कूल के हेडमास्टर का भी या प्रिंसिपल का भी यहाँ एक बहुत बड़ा रोल है। अवेयरनेस जैसे दृष्टिबाधिता के लिए, और दृष्टिबाधिता के रोकथाम या प्रिवेंशन किस तरह हो सकता है, वो भी कम्युनिटी के मदद से ही संभव है। आई कैंप,
ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होते हैं, ये नॉट ओनली फॉर प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस बट एट द सेम टाइम लो विजन बच्चों को या ब्लाइंड बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनको स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करना और लो विजन एड भी देने के लिए हमें आई कैंप का ज़रूरत है, मतलब आई कैंप अरेंज करना पड़ता है। पर इस आई कैंप के लिए भी हमें कम्युनिटी या समुदाय का मदद हमारे लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पेरेंट काउंसिलिंग, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इरेडिकेटिंग टैबूज रिलेटेड टू विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना, मैंने पहले ही बताया, कोई भी काम हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा। अब ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखिए स्लाइड में क्या है। There are three types of community participation: spontaneous, sponsored, and compulsory. Then use of community resources, fund mobilization, space, auxiliary services. मतलब हम इसको mainly दो मुद्दे पे slide में हम discuss कर रहे हैं, एक है use of community resources और एक है community participation. स्पॉन्टेनियस मतलब जब कम्युनिटी के लोग फील करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ एक स्कूल होना ज़रूरत है, या ये फील करते हैं कि हमारे गांव में जो दो तीन दृष्टिवादी बच्चे हैं तो इनको स्कूल में जाना ज़रूरी है, तो इसके लिए जो जो करना वो खुद ही जाके मम्मी पापा से बात करके स्कूल में स्पेशल टीचर का अरेंज करके सब कुछ करते हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस हुआ। या कुछ लोगों ने मिलके एक स्कूल ही खोल दिया, ठीक है, बाकी लोगों ने बच्चे भेजने के लिए घर घर जाके बोला, तो वो हो गया स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन। स्पॉन्सर्ड मतलब ऑलरेडी स्कूल है, उसमें पता लगा कि हाँ भाई अगर हमारे कम्युनिटी में ये स्कूल में हम लोगों ने ये दो तीन ब्लाइंड बच्चों को भी अगर पढ़ाए, इसके लिए सरकार से खर्चा मिलेगा और बच्चों का पैसा भी हो जाएगा, बिल्डिंग का फंड भी कुछ मिलेगा, सरकार कुछ देंगे, इस तरह का जब होता है तब वो होता है स्पॉन्सर्ड। और कंपलसरी, जैसे आप देखोगे कई स्कूल में बिल्डिंग फंड बच्चों से कलेक्ट करते हैं, कई पब्लिक स्कूल में करते हैं, तो वो ज़बरदस्ती वाले बात हो जाते हैं, तो वो कंपल्शन, आउट ऑफ कंपल्शन आपको वो फंड देना ही पड़ेगा, तो तब वो नहीं तो आप अपने मतलब बच्चा स्कूल में नहीं रहेंगे, तो वो होता है कंपल्शन, कंपल्सरी पार्टिसिपेशन। पर यहाँ हम लोग एज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन कम्युनिटी की तरफ से हो। कम्युनिटी रिसोर्सेज, हर एक कम्युनिटी का कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दृष्टिवादी जना का स्कूल, हमारे JPM स्कूल फॉर द ब्लाइंड बोली या कोई भी स्कूल आप देखो, तो उसमें कई समय डोनेशंस आते हैं। ये डोनेशन या ये फंड कहाँ से आते हैं? कम्युनिटी से आते हैं, समुदाय के लोग डोनेट करते हैं। हर एक समुदाय में स्किलफुल व्यक्ति होते हैं, कई समय लोग अपना ज़मीन दे देते हैं या अपना एरिया दे देते हैं कि अच्छा आप ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, उनके लिए रिसोर्स सेंटर खोलेंगे, आपके पास जगह नहीं, अच्छा मैं दे देता हूँ, तो इस तरह हमें स्पेस मिल सकते हैं कम्युनिटी से। या कम्युनिटी गैदरिंग जहाँ होते हैं गाँव में, वहाँ वो छोड़ देते हैं सवेरे के टाइम, आप यहाँ बच्चों को पढ़ाओ, ये भी होते हैं, है ना। और ऑक्सिलरी सर्विसेज, जैसे गांव में कई गांव में या लोकेलिटी में कई कम्युनिटी है जहाँ स्किलफुल व्यक्ति मिलते हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन के लिए, पर्संस के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे मान लीजिए रीडर सर्विस, रिकॉर्डिंग सर्विस, ये सारे सर्विस कम्युनिटी प्रोवाइड करते हैं, है ना। राइटर, एग्ज़ाम के लिए राइटर चाहिए, कौन आएगा? कम्युनिटी से शिक्षित बच्चों को, या उसके लेवल के हिसाब से जो भी रूल है हम कम्युनिटी से ले सकते हैं बच्चों को। मैं भी घर में, मैं रोज सवेरे निकल जाता हूँ, बच्चे को स्कूल में ले जाने आने में दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ भी साथ वालों ने बोला ठीक है मैं उसी रास्ते से जाता हूँ, या मेरे दो बच्चे भी जाते हैं आपके बच्चे को भी ले लेंगे, तो ये सपोर्ट मुझे कहाँ से मिल रहा है? कम्युनिटी से मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हर एक चीज़ में मतलब हमारा समुदाय के सहयोग ज़रूरी
होते हैं, क्योंकि जैसे आपने पहले बात करी थी इंटरडिपेंडेंस की कि हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और जैसे कि अभी आपने बताया कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विद एग्जांपल्स, तो इसमें भी इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वी कैन नॉट कैरी आउट दी एक्टिविटीज एंड कम्युनिटी एक्सेप्टेंस. हमें भी बच्चों को इनक्रेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में मिक्सअप करें. Encourage the child to mix in the community. Role of neighborhood. Encourage the visually impaired child to become a productive and active member of the community and society. पहले आपको बच्चों को कम्युनिटी में मिक्सअप करना ज़रूरी है. हम कई समय सोशल गैदरिंग में, शादी में, कोई एक्सकर्शन में, कोई फेयर में बच्चों को लेके नहीं जाते हैं, ब्लाइंड बच्चों को, ये सोच के वो जाके क्या करेंगे, वो तो नहीं देख पाते हैं. इट इज़ नॉट दैट दैट के एवरीथिंग इज़ विजुअल इन लाइफ. देख नहीं सकते हैं बट फील तो कर ही सकते हैं ना. कम्युनिटी से जितना ज़्यादा बच्चा मिक्सअप करेंगे तो बच्चा का जो नीड है वो भी कम्युनिटी बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, और उसी तरह बच्चा भी जितना कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेंगे बच्चा भी कम्युनिटी को बेटर वे में समझेंगे, तो उसे दोनों के तरफ से ही एडजस्टमेंट बेटर होंगे, और कम्युनिटी भी बच्चे को मदद करेंगे. एट द सेम टाइम बच्चा भी कम्युनिटी की ज़रूरत के आधार पे कम्युनिटी या समुदाय को मदद करने के सोचेंगे. सो इट शुड बी अ टू वे थिंग. हमें ये नहीं सिर्फ मदद के बात में, छोटे से ही हमें बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको भी कम्युनिटी में कुछ ना कुछ आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. जिस कम्युनिटी आपके लिए इतना किया, आपको भी उस कम्युनिटी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. चाहे आप ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट करना ज़रूरी है. सिर्फ एक ही दायरे के मदद से नहीं चलते हैं. जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो फिर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी ज़रूरी है ना, तो वहाँ हम पीछे क्यों हटेंगे, है ना. नेक्स्ट नेबरहुड. ये जो मोहल्ले के बच्चे हैं, मोहल्ले के बड़े हैं, सबके साथ एक जो आप इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, इनिशियली कई समय होते हैं कि लोग एक्सेप्ट या आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बट कितने दिन, एक ना एक दिन तो वो मान ही लेंगे ना. रोज़ रोज़ एक ही प्रश्न कोई किसी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को नहीं पूछ सकते. और ऐसा भी नहीं कि हर एक जना का इंटेंशन बहुत गलत होता है. कई समय ऐसा भी होता है कि हमें इतना कम इंटरेक्शन दृष्टिवादित व्यक्ति के साथ होता है कि हमारे अंदर कई तरह के प्रश्न आते हैं कि वाकई में ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. हम अगर इंटरेक्शन बनाएंगे, बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली लोग हमारे बारे में ज़्यादा जानेंगे, और वो कहीं ना कहीं हम लोगों का फ़ायदा में ही जाएगा. नेक्स्ट एनकरेज द VIC टू बिकम अ प्रोडक्टिव एंड एक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी. कम्युनिटी का बर्डन नहीं, कम्युनिटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर. कई जगह दृष्टिवादित जना ही अपने समुदाय में समुदाय को दिशा दिखाते हैं. मैंने आपको बताया भी है कि ऐसा एक गाँव, कई गाँव हैं जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति एक दृष्टिवादित जना है, तो उस गांव के पॉपुलेशन को आगे शिक्षित करना, जिस तरह मेरे एक स्टूडेंट के बाद भी मैंने करा, तो वो कौन कर रहे हैं, दृष्टिवादित जना. तो यहाँ दृष्टिवादिता नहीं, एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी वो काम कर रहे हैं. अपने कम्युनिटी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो डेफिनेटली हम सबका भलाई उसी में है. और आज के दिन में जिसे हम लोग अपना चर्चा शुरू किए थे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आ गया ना कि हमें आज मतलब अच्छे नागरिक की ज़रूरत है, जो अपने समुदाय तथा अपने समाज के भी भलाई का सोचेगा, और इसी तरह ही आज जो बच्चा है वही कल का नागरिक है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो या ना हो. पर दृष्टिबाधित बच्चों को भी हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, कम्युनिटी मतलब हम समाज तथा समुदाय के एक प्रोडक्टिव मेंबर भी बना सकते हैं, और यही हम लोगों का मकसद होना चाहिए.
जी मैम, जैसे आपने बात करी कम्युनिटी और सोसाइटी की, एंड इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म जिसमें हम बात करेंगे कि ओवरऑल सब कुछ लाई करता है, शुरू से लेकर आखिरी तक कोई भी बच्चा हो, जनरली भी अगर हम बात करें, अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की ना भी बात करें, सबके लिए ही कम्युनिटी और सोसाइटी का रोल है इम्पोर्टेंट। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, तो उसके लिए और ज़्यादा रोल बढ़ जाता है दोनों तरफ से, जैसे कि आपने कहा इट्स अ टू वे प्रोसेस, बच्चे की तरफ से भी और वाइस वर्सा कम्युनिटी की तरफ से भी पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन दैट सर्कल। हाँ, पूरा चर्चा को अगर हम देखें तो एकदम परिवार या घर से लेके स्कूल से लेके कम्युनिटी एंड सोसाइटी तक हमारा मतलब सभी का ही अपना अपना भूमिका है, क्योंकि एक कोई मकान अगर हम बनाते हैं तो उसके नींव से लेके हर चीज़ ही ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह एक बच्चे का नींव भी बनाने में जैसे परिवार है, जैसे स्कूल है और आगे समुदाय तथा समाज जरूरी होते हैं, चाहे वो आम बच्चा हो चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चा हो। यस मैम, एवरी चाइल्ड मूव्स फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, और हर लेवल में इम्पॉर्टेंस ऑफ होम, स्कूल, सोसाइटी एंड कम्युनिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमने शुरू से डिस्कस किया हमारे एक्सपर्ट के साथ कि किस तरह से रोल ऑफ होम, विच इज़ द बेसिक थिंग टू लर्न, दी ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्टिविटीज़, सब कुछ सीखने के लिए हमारी शुरुआतें घर से ही होती है। साथ में सपोर्ट होता है फैमिली मेम्बर्स का, चाहे वो एक्सटेंसिव फैमिली हो, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इस तरह से जो हमने डिस्कशन किया हमारे एक्सपर्ट ने, और हमारे एक्सपर्ट ने काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि किस तरह से फैमिली मेम्बर्स का, पीयर्स का, और फॉर्मल एजुकेशन जो हम स्कूल में लेते हैं डिपेंड्स कि हम किसके साथ स्कूलिंग कर रहे हैं, स्पेशल स्कूल है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड सेटअप है, रेगुलर टीचर है, रिसोर्स टीचर है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, सबका रोल इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड सिचुएशंस। फिर फाइनली हम आते हैं सोसाइटी एंड कम्युनिटी पे, जो कि जिसकी सबको ज़रूरत होती है, सोसाइटी से हम कितना इन्वॉल्व रहते हैं, सोसाइटी हमें कितना दे रही है, वाइस वर्सा हम कितना सोसाइटी को एक्सेप्ट करके उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम कितना इनपुट दे रहे हैं, और कम्युनिटी, ये सब डिस्कस किया हमने हमारे एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस डिस्कशन। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। थैंक यू सो मच।